बहुत बुरा हुआ काका, सांप धीरज रखिए। सांप अभी भी समय है, आप यहां से चले जाइए सर। वो काकी भी रजनी के बारे में कुछ बता रही थी कि उसकी मौत। काका हम लोग चले जाएंगे यहां से, लेकिन प्लीज बताइए कि यहां पे हुआ क्या था। सर आपके दादा की भी मौत अजीब तरीके से हुई थी। क्या? और तभी हमने उस बक्से को जमीन में गाड़ दिया था, और फिर आपके बाबा की मौत के बाद एक स्वामी जी को हम लेकर के यहाँ आए, और उन्होंने उस कुड़िया को फिर से उस संदूक में बंद करके स्टोर रूम में रख दिया, और उन्होंने कहा कि उसका घर है, कोई इसे यहां से ना हटे। सब कुछ समय तो बहुत शांति रही सा, लेकिन 3 साल पहले कुछ मजदूर गलती से उस कमरे में चले गए, और सब उन्होंने उस बक्से का ताला तोड़ दिया सा, और वो गुड़िया मेरी पोती रजनी के हाथ लग गई, और वो उसे लेकर के घर आ गई। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी, बहुत जिद्दी थी साहब वो। फिर अगली सुबह वो गायब हो गई साहब। मैंने उसे हर जगह ढूंढा साहब पर कहीं नहीं मिली साहब वो। और फिर शाम को साहब वो पेड़ पर लटकी मिलने मुर्दा साहब। एक लड़की की लाश देखी। ये मेरी पोती रजनी है बहुरानी। काका ये वही लड़की है ना जिसने पेड़ से लटककर सुसाइड किया था? हाँ, पर आपको कैसे पता चला?